हेलो गाइज, इस बार हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इम्ब्रोसैक। पहले जानेंगे कि इम्ब्रोसैक आखिर होता क्या है। इम्ब्रोसैक को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं, जो आपको लिखा हुआ है कि इम्ब्रोसैक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। अब इम्ब्रोसैक कहाँ पर पाया जाता है, तो आप जैसे जानते हो कि गायनेशियम पार्ट है, तो गायनेशियम का ये आपको बाहर का आउटर पार्ट जो है काफी स्फेरिकल है, तो ये ओवरी है। ओवरी के इन साइड आप जानते हो कि ओव्यूल है, और ओव्यूल के इन साइड जो ब्लू कलर का मैंने मार्क किया है आपको राउंडेड पोर्शन, वही आपका एम्ब्रोसैक है। उसी में आपने पढ़ा होगा 7 सेल 8 न्यूक्लियट होते हैं। अब हम लोग इसको विस्तृत रूप से जानेंगे कि एम्ब्रोसैक को हम लोग जनरली कितने भाग में बांटते हैं, पूरे प्लांट्स में एम्ब्रोसैक को किसके कितने भाग में बांटते, किसके अकॉर्डिंग बांटते है ना। तो हम लोग एम्ब्रोसैक को जनरली किस बेसिस पे बांटते हैं कि नंबर ऑफ जो मेगा स्पोर है, मेगा स्पोर न्यूक्लियस से किस तरीके से वो एम्ब्रोसैक बनाते हैं, उसके आधार पर आपको एम्ब्रोसैक को 3 भागों में बांटा जाता है। यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट को हम लोग जानेंगे, ये 3 हिस्से हम लोग पढ़ेंगे, 3 भागों में। जितने भी प्लांट है उसमें 3 तरीके के पाए जाएंगे, जैसे मोनोस्पोरिक पहला है, दूसरा है बायस्पोरिक, और तीसरा है आपका टेट्रास्पोरिक। तो पहला देखना है मोनोस्पोरिक। मोनो मतलब सिंगल, स्पोर मतलब बॉडी है ना, बाय मतलब 2, स्पोरिक मतलब फिर से वही है ना बॉडी, तो टेट्रा मीन्स 4 हुआ, स्पोरिक मतलब लिटिल बॉडी, माइनोर बॉडी। अब मोनोस्पोरिक में 2 टाइप आते हैं, एक आपको आते हैं पॉलीगोनम टाइप और दूसरा आते हैं इनोथेरा टाइप, वो साइलेंट है तो इनोथेरा टाइप आते हैं ना। और बायोस्पोरिक में सिर्फ एलियम टाइप आते हैं, और टेट्रास्पोरिक में भी सिर्फ सिंगल आपको पिपरोरोमिया टाइप आते हैं। ओके, तो पॉलीगोनम जो टाइप है इसमें आपने पढ़ा होगा 7 सेल 8 न्यूक्लियट, तो न्यूक्लियस का नंबर जो होता था 8 होता था, जबकि इसमें इनोथेरा टाइप में नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस होगा वो आपको क्या होगा, 4 ही होगा है ना। तो बायस्पोरिक में उसी तरीके से जितना आपने पढ़ा था पॉलीगोनम टाइप जो आप लोग जनरली पढ़ते हो है ना, उसी तरीके से 8 न्यूक्लियट, और टेट्रास्पोरिक में डेट इज क्या होगा, 16 न्यूक्लियट। तो यहाँ पर अगर टाइप देखेंगे मोनोस्पोरिक में तो 2 टाइप पढ़ना है, पॉलीगोनम टाइप और दूसरा इनोथेरा टाइप। उसी तरीके से बायस्पोरिक में एलियम टाइप, और आपको टेट्रास्पोरिक में आपको डेट इज पिपरोमिया टाइप। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे कि पॉलीगोनम टाइप आखिर किस तरीके से एम्ब्रोसैक बना है ना, इनोथेरा टाइप किस तरीके से बना, एरियम टाइप किस तरीके से बना, पिपरोमिया टाइप किस तरीके से बना, तो जनरली ये सब हम लोग समझेंगे। लेकिन आजकल जो हम लोग ज्यादा जो एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं, तो सबसे मोस्ट जो कॉमन है आपको डेट इज पॉलीगोनम टाइप है। क्या है पॉलीगोनम टाइप, मोनोस्पोरिक का पॉलीगोनम जो टाइप है सबसे मोस्ट आपको कॉमन है। अब हम लोग देखते हैं एम्ब्रोसैक को फिगर के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से 8 न्यूक्लियट बनते हैं, 4 न्यूक्लियट बनेंगे, 8 न्यूक्लियट, 16 न्यूक्लियट विद रिस्पेक्ट टू पॉलीगोनम। मैंने बताया आपको एम्ब्रोसैक का 3 टाइप बताया था, मोनोस्पोरिक, बायस्पोरिक और आपको मल्टीस्पोरिक। अब मोनोस्पोरिक में 2 टाइप होता है, एक पॉलीगोनम टाइप होता है, एक इनोथेरा टाइप होता है। तो पहला और दूसरा जो है डेट इज आपको क्या है, मोनोस्पोरिक होगा। ओके, तो पहला में जो पॉलीगोनम टाइप है उस पर हम चलते हैं। तो पॉलीगोनम टाइप आपको 8 न्यूक्लियट होगा, 7 सेल्ड होगा, मोनोस्पोरिक होगा। अब ये बनता कैसे है, जो MMC से आपको डायरेक्ट जो है, अब धीरे धीरे माइटोसिस, सक्सेसिव माइटोसिस के बाद एम्ब्रोसैक कैसे बना, जिसमें 7 सेल 8 न्यूक्लियस आपने पढ़ा है ना। तो देखो MMC जो होता है, मेगास्पोर मदर सेल जो होते हैं है ना, तो मेगास्पोर मदर सेल स्पोरोजिनस टिश्यू से आपको जो है बनते हैं। तो मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, तो आपको 2 सेल बना यानी कि डायड बना, फिर आपको प्रॉपर हुआ अगला हुआ माइटोसिस तो 4 बना यानी कि डेट इज आपको टेट्राड बना। तो चले जाओ ऊपर साइड है और माइक्रोपाइल जो है नीचे साइड है, तो माइक्रोपाइल के साइड तीनों सेल्स क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा। ओके, धीरे धीरे खराब हो जाएगा, चले जा की तरफ वाला जो सेल बचा आगे वही जो है फिर से माइटोसिस करेगा, उसमें उसका जो न्यूक्लियस माइटोसिस करेगा है ना, पूरा सेल नहीं। तो न्यूक्लियस माइटोसिस किया तो न्यूक्लियस क्या हो गया, नंबर 2 हो गया, फिर से उसी तरीके से न्यूक्लियर डिविजन हुआ माइटोसिस, तो आपको 4 हुआ, फिर से 8 हुआ, अब 8 तक जाकर के पहुंचा न्यूक्लियस। तो धीरे धीरे अब क्या है कि धीरे धीरे अब जो भी साइटोप्लाज्म थे है ना इस सेल में, तो साइटोप्लाज्म से मिल करके सेल जो है आपको सेल वॉल बनाया, वेक्टर जो भी बना लिया है ना, और 3 सेल आपको चलेजा की तरफ रह गया, 3 सेल आपको माइक्रोपाइल की तरफ, और सिंगल सिंगल सेल दोनों की तरफ का चलेजा और माइक्रोपाइल दोनों चला गया कहां, सेंटर पे। तो इस तरीके से 2N हो गया, यानी कि आपको हम लोग देखे तो यहां पर जो आपको देख रहे हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि क्या होगा, डेट इज डिप्लॉयड है। तो इस तरीके से हमने देखा 7 सेल 8 न्यूक्लियस तैयार हुआ, माइक्रोपाइल की तरफ आपको क्या होगा, डेट इज एक जो आगे में रहेगा एक सेल रहेगा, साइड में आपको डेट इज सिनर्जिड्स रहेंगे, और उधर चले जा की तरफ आपको एंटीपोडल सेल्स रहेंगे। इस तरीके से हमने देखा आपको जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो आपको डेट इज क्या है, यानी कि हम लोग सेंट्रल सेल कह सकते हैं कि डेट इज डिप्लॉयड है यहाँ पर। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में वो क्या हो जाएगा, ट्रिप्लॉयड हो जाएगा।
अब अगला सिचुएशन देखना है, इनोथेराटाइप देखना है। इनोथेराटाइप भी मोनोस्पेरिक टाइप ऑफ इंडोस्पर्म में आते हैं। इसमें कितने न्यूक्लियस बनते हैं, आपके इम्ब्रियोसैक जब बनता है तो वहां पर फोर न्यूक्लियट बनने रहते हैं, तो फोर न्यूक्लियट से ही काम चलता है। अब ये देखना पूरा सा तरीका से कि समझेंगे कैसे, है ना, किस तरीके से हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। तो एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल है, उसमें माइटोसिस हुआ, दो सेल बना यानी कि डायड बना, डायड से टेट्राड बना उसी तरीके से। लेकिन इसमें क्या हुआ कि पिछले भाग में मैंने देखा कि चैलेंजा के तरफ वाला आपको रह गया, माइक्रोपायल के तरफ वाला डिजेनरेट हुआ। लेकिन इस टाइप जो देखेंगे इनोथेरा टाइप वाले में जस्ट उसका उल्टा है ना। उल्टा क्या है कि आपको चैलेंजा की तरफ डिजेनरेट होगा, माइक्रोपायल की तरफ बच जाएगा सेल, है ना, नीचे वाला। तो माइक्रोफायर की तरफ वाला बच गया और चलेजा की तरफ तीनों जो है डिजनरेट हो गया यानी कि खत्म हो गया। अब बचा सिंगल सेल, सिंगल सेल में न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस इसका क्या हो गया, टू हो गया, टू से फिर से डिवीजन हुआ, टू से फोर हो गया। अब फोर जब हुआ तो हम लोग फोर न्यूक्लियट में आ गए, है ना, ये फोर ही न्यूक्लियट तक रह पाता है। अब इसी फोर न्यूक्लियट से आपको सेल बना, सिर्फ सिंगल सेल आपको जाकर के आपको सेंटर में रहेगा। तो सेंटर सेल यानी कि इसका जो सेकेंडरी जो न्यूक्लियस होगा हम लोग देखेंगे हैप्लॉयड नेचर का होगा। बाकी जो भी थ्री सेल्स है आपको कहां पर माइक्रोपायल रीजन पे आकर के बैठ जाएगा, यानी कि हम लोग जानेंगे कि जो हैप्लॉयड है सेकेंडरी न्यूक्लियस वो प्री फर्टिलाइजेशन में होगा। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद अगर देखेंगे यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, तो वो डिप्लॉयड हो जाएगा। ओके, अब हमें देखना है तीसरा एरियम टाइप यानी बायोस्पोरिक। बायोस्पोरिक हम लोग देखते हैं इसमें जो न्यूक्लियस होगा एट न्यूक्लियस होगा जबकि बायोस्पोरिक होगा। अब ये बनता कैसे, उसी तरीके सिंपल है, मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, डायड बनेगा। तो डायड बनने के समय ही क्या होगा, एक सही रह जाएगा, एक खराब हो जाएगा यानी कि डिजनरेट कर जाएगा। जो सही रह गया उसमें क्या होगा, न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होगा, उससे न्यूक्लियस का मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर से वही प्रोसेस होगा, रेगुलर टू से फोर प्रॉपर होते चला जाएगा न्यूक्लियर डिवीजन माइटोटिक डिवीजन। तो फोर टू एट, एट तक जब पहुंचेगा तो देख रहे हैं कि दोनों तरफ हिस्सा चला गया, चैलेंजा की तरफ एक, माइक्रोपायल की तरफ न्यूक्लियस, है ना। और इसी तरीके से फिर प्रत्येक जो है बटा, तो दो उधर दो इधर, उसी तरीके से दो दो फेस माइटोसिस होगा। तो दो दुना चार, दो दुना चार, चैलेंजा की तरफ भी चार और माइक्रोपायल की तरफ भी चार। अब क्या होगा, व्यवस्थित होगा, प्रत्येक जो है आपको न्यूक्लियस आपको सेल बनाएगा। अब सेल बनाएगा तो जिस तरीके से हमने पॉलीगोनम में देखा था उसी तरीके से प्रत्येक जो सेल है आपको माइक्रोपायल और चैलेंजा की तरफ उधर से एक एक सेंट्रल सेल की तरफ आ जाएगा। तो आपको यहां पर देखेंगे दैट इज क्या होगा, सेकेंडरी जो न्यूक्लियस होगा वो डिप्लॉयड होगा। तो इस तरीके से हमने देखा ये कंडीशन, सिर्फ अंतर यही था कि डायड कंडीशन में ही क्या हो गया, एक डिजनरेट हो गया। अब हमें अगला देखना है पिपरोमिया टाइप। पिपरोमिया टाइप क्या होता है कि यहाँ पर पिपरोमिया टाइप आपको एट न्यूक्लियट कंडीशन होता है ना, एट एट यानी कि एट एट आपको 16 न्यूक्लियट होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 16 फोर 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 एट नहीं बोलेंगे, 16 न्यूक्लियट बोलेंगे। पूरा का पूरा कितना से बनता है आपको, 16 न्यूक्लियट, है ना। एट न्यूक्लियट आपको सेकेंडरी न्यूक्लियस के लिए होता है। तो पिपरोमिया टाइप में क्या होता है कि 16 न्यूक्लियस होता है, यानी कि 16 आपको क्या होंगे, आपको केंद्रक होंगे। तो 16 न्यूक्लियट होता है और ये मल्टी स्पोर बहुत सारा बॉडी बनाता है, इसीलिए मल्टी स्पोरिक टाइप के नाम से जाना जाता है ना। तो मल्टी स्पोरिक टाइप में आपको पिपरोमिया टाइप पढ़ना होता है। तो पिपरोमिया टाइप में होता क्या है कि मेगा स्पोर मदर सेल से आपको जो स्पोर जीनस टिश्यू से मेगा स्पोर जो है दैट इज इनर पार्ट वाला आपको ये बनाया, तो ये डायड बना गया, डायड बना दिया, यानी कि दो आपको न्यूक्लियस बना है ना, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ सिर्फ, ध्यान देना। न्यूक्लियर के बाद प्रॉपर वही उसी तरीके से दो से चार, चार से फिर आठ, आठ से सोलह होगा, दो से चार। तो प्रत्येक जो है प्रत्येक डायरेक्शन में आपको न्यूक्लियस चला जाएगा और फिर से वहां पर डिवीजन होगा। तो चार दुना आठ, प्रत्येक जगह पेयरिंग हो जाएगा, फिर से आपको डिवीजन करेगा। तो डबल पेयरिंग देखेंगे, प्रत्येक डायरेक्शन में देखेंगे, इधर भी देखो इधर, तो इस तरीके से चार चार प्रत्येक तरफ आपको है ना। अब क्या होगा, जब आपको सेल बनना रहेगा न्यूक्लियस से आपको, तो क्या होगा कि साइटोप्लाज्म का हिस्सा ले लेगा, वैक्यूल ले लेगा, है ना। तो साइटोप्लाज्म से और वो सेल बनाएगा, तो सेल बनाएगा तो जो दो डायरेक्शन में है तो आपको फोर फोर पेयर आपको कहां आ जाएगा, डेट इज सेंटर में आ जाएगा। तो सेंटर के पास आपको एट एन हो जाएगा, प्रत्येक न्यूक्लियस यानी कि हैप्लॉयड को रेफर करेगा, है ना। कहीं भी आपको एक न्यूक्लियस है तो वो हैप्लॉयड को रेफर करेगा, हैप्लॉयड के बारे में बताएगा, है ना। तो इस तरीके से अगुणित को बताएगा। तो इस तरीके से आपको एट एन है जो है आपको सेंटर के पास आ गया, बाकी जो भी है आपको दो जो न्यूक्लियस है आपको किधर, माइक्रोपायल के पोर्शन, बाकी जितना भी है सब बच गया आठ न्यूक्लियस, वो ऊपर की तरफ साइड वाला चैलेंजा की तरफ सट जाएगा, है ना। तो इस तरीके से एट एन कंडीशन देखेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस का, यानी कि जो सेंट्रल सेल है एट एन होगा। लेकिन जब ये फर्टिलाइजेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो पॉलीप्लॉयड स्थिति आ जाएगा।
तो इस तरीके से हमने देखा कि एमएमसी से डायरेक्ट आपको 60 न्यूक्लियट बना है ना, तो एमएमसी से आपको रेगुलर बना, तो इसीलिए ये 60 न्यूक्लियट आपको मल्टीस्पोरिक कंडीशन कहलाएगा। मल्टीस्पोरिक कंडीशन में जो आपको सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा 18 होगा, 18 काफी नंबर ज्यादा है, हैप्लॉयड डिप्लॉयड ट्रिप्लॉयड क्या नहीं कह सकते है ना, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे दैट इज उसका जो प्लॉयडी जो स्टेट होगा वो क्या होगा, पॉलीप्लॉयड होगा। पॉली मतलब मोर देन वन है ना, मोर देन टू कह सकते हैं ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्री फर्टिलाइजेशन में हमने देखा कि सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या था, पॉलीगोन में 2n था, तो वो हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ट्रिप्लॉयड बदल गया फर्टिलाइजेशन के बाद। तो इनोथेरा टाइप में आपका हैप्लॉयड था, फर्टिलाइजेशन के बाद आपको डिप्लॉयड हो गया। एलियन टाइप में आपको सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या था, 2n था, डिप्लॉयड था, आपको क्या हो गया, ट्रिप्लॉयड कंडीशन देखने को मिला पोस्ट फर्टिलाइजेशन। उसी तरीके से पिपरमिया टाइप में 18 था, आपको पॉलीप्लॉयड कंडीशन देखने को मिला पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद स्थिति है ना। तो इस तरीके से हमने देखा प्लॉयडी ऑफ इंडोस्पर्म, प्रत्येक जितने भी थे मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम और इनोथेरा टाइप था, जबकि बायोस्पोरिक एलियन टाइप था, पिपरोमिया टाइप आपको मल्टीस्पोरिक था। तो इस कंडीशन में हमने देख लिया, हमने लिख दिया है कि एट पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इस तरीके से हमने बताया इम्ब्रोसैक का टाइप, मैंने बताया किस तरीके से आपको होते हैं। सबसे मोस्ट जो कॉमन होता है आजकल जो यूज होता है वो आपको एंजियोस्पर्मिक टाइप में आपको क्या होता है, पॉलीगोनम टाइप होता है। क्या होता है, पॉलीगोनम टाइप है ना। तो और ध्यान देना है सेकेंडरी न्यूक्लियस का, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस एकदम उल्टा होता है, पॉलीगोनम का उल्टा एलियन टाइप होता है, ठीक है। तो यहां देखिए एक तरीके से ध्यान दे रहे होंगे, लेकिन अगर सेकेंडरी न्यूक्लियस हाफ अगर देखा जाए तो इनोथेरा टाइप में। तो इस तरीके से हमने जाना आपको दैट इज इम्ब्रोसैक।